सोनीपत के खरखौदा में लगने वाले मारुति सुजुकी प्लांट की प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली आधारशिला रखी और इस दौरान हमारे संवाददाता प्रियंका राय ने खास बातचीत की सांसद रमेश चंद्र कौशिक से। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है रमेश चंद्र कौशिक। सोनीपत को इतनी बड़ी सौगात मिलती है, पहले गुरुग्राम, फिर मानेसर, फिर सोनीपत, क्या कुछ लगता है लोगों को क्या विकास मिलेगा? यहाँ पर कम से कम 20-30 हज़ार लोगों को रोजगार मिलेगा और यहाँ 20 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट है। ये सोनीपत के लिए बहुत बड़ा तोहफा है और खरखौदा आने वाला मानेसर बनने जा रहा है और इसका एक अहम रोल पूरी देश में, पूरी दुनिया में इसका नाम होगा। यानी कि मारुति एक बार फिर से इतिहास लिखेगा, हरियाणा स्वर्ण अक्षरों में होगा, क्योंकि लगातार हरियाणा की इकोनॉमी की अगर बात करें तो देश के जीडीपी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हरियाणा की इकोनॉमी का भी है। ऐसा है, जितनी पहले तरक्की हुई है गुड़गांव की, मारुति लगने के बाद हुई है, अब मारुति ही आज यहाँ है, ये दूसरा गुड़गांव बनने जा रहा है। बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए सोनीपत से सांसद रमेश चंद्र कौशिक, जिन्होंने कहा कि गुड़गांव का दूसरा रूप अगर देखने को मिलेगा तो सोनीपत में मिलेगा। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन जीतू के साथ प्रियंका राय, खबर फर्स्ट।